तकरीबन आधा घंटा रह गया, 1.5 घंटे से हम लोग यहाँ पर हैं, शूट कर रहे हैं चीज़ें। अभी तक बस कह सकते हो कि आतिश से ही बोला था कि है कुछ, और अभी कुंडी खोली और साथ साथ फ्लैश खत्म हुआ, जबकि होता नहीं है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे अपना काम कर चुका हूँ मैं आईफोन से। अच्छा, इसमें एक वॉशरूम है ये सामने। भाई वापस आ जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज अवेदी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो यार आज का व्लॉग आपको टाइटल के हिसाब से दिख चुका होगा कि हम लोग क्या शूट करने वाले हैं। ये है हमारे दोस्त का एक अदर पोर्शन जो काफ़ी अरसे से बंद है। हमारी उससे शर्त लगी थी कि अगर हम यहाँ पे 1 से 2 घंटे बिता लेते हैं तो वो हमें खाना खिलाएगा, अगर हमें यहाँ कुछ डर फील हुआ तो हम उसको खाना खिलाएंगे। उसका कहना है कि काफ़ी अरसे से बंद है, ताला लगा हुआ, चाबी हमारे पास है, और वो इतना फट्टू है कि अपने पोर्शन में ही नीचे हम लोग सिर्फ ऊपर आए हैं। ये कैमरा बाबू ने पकड़ा हुआ है और मैं आगे हूँ, और उसके अलावा कोई भी नहीं है। अब देखते हैं क्या सीन है अंदर। बाबू पहले वो पढ़ लो, अगर आयतन कुर्सी वगैरह पढ़ लेंगे तो सब पढ़ लिया है, मुझे पढ़ लीजिए, सबसे आगे मैं हूँ। चाबी कौन सी है इसने बताया भी नहीं है। हमारे दोस्त जिसका घर है वो इतना फट्टू है कि वो नीचे कह रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर ये जो चीज़ ये है वो ये देख लेगी तो नीचे वाले फ्लोर पे ना आ जाए। चलते हैं अंदर। देखते हैं कि घर एक चीज़ यहाँ से देखने में आ रही है वो ये है कि गर्मी हद से ज़्यादा है, मतलब बाहर फिर भी थोड़ी हवा है लेकिन ये कंजेस्टेड है काफ़ी अच्छे से बंदे के लिए, गर्मी बहुत है। अच्छा एक जगह का बोल रहा था कि यहाँ पर इसका कोई बोल रहा था कि अंदर किसी तरह जैसे यही है कोई सीन है जो ज़्यादा हॉन्टेड है, वरना ये वाली जगह नहीं है। तो अभी चलते हैं इस जगह पर और देखते हैं कि क्या सीन है। लॉक देगा तू लोग। ये जो सीन रिकॉर्ड हुआ है क्या, ये अभी जो गेट पे जो खुला है क्या बोलता है, चलना है क्या अंदर है? भाई मर्जी है, देख लो सीन तुम्हारे सामने हुआ है जो भी हुआ है। एक जगह इतने अरसे से बंद है फिर। अबे हवा वगैरह का भी तो सीन होगा। हवा वहाँ कहाँ से आएगी, कमरा है भाई पैक है बिल्कुल। अच्छा मजे की बात वो है जो अपना दोस्त आते वो भी बोल रहा था कि इसी कमरे से कोई सीन स्टार्ट है। खैर देखते हैं, चल गया बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं यार। थोड़ा दूर रख कैमरा का, कुछ हो तो रिकॉर्ड तो है, मदद हो। भैया हम लोग यहाँ पे आपको तंग वगैरह करने ही आए हैं, हम लोग बस यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर चले आएंगे। हम आपको यहाँ पे कोई तंग वगैरह करने नहीं आए हैं बिल्कुल भी, तो प्लीज़। काफ़ी अच्छे से बंद है यहाँ, जितनी मिट्टी सोफे पे खाई हुई है सोफे पे मिल गई, 3-4 साल से बंदे जाए तकरीबन, कम बता रहे हैं हमें कि इतने साल। और ये बेचा क्या कर रहा है यहाँ पे, समझ के बाहर है ये इतना मजदूर छोड़ गए हैं। हाँ शायद मजदूर छोड़ गए। ये है बेचा। अच्छा हमारे जो दोस्त आतिफ जिसका घर है ये, वो मुझे बता रहा था कि मैं तुम्हें चीज़ें नहीं बताऊंगा, बस उसने इस कमरे का बताया था। इस कमरे में है कोई सीन और आसपास ये दो ही कमरे बने हुए, एक जो सामने एक हम है, और बाकी वो चीज़ बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन हमें तो एक्सप्लोर करनी है। ये पीछे वाली जगह देखनी है क्या? देख लो। हाँ ये कैसे बंद हो गई? आ जा क्या
यार थोड़ी देर से हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लेकिन आईफोन बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया, पता नहीं क्यों बंद हो रहा बार बार, तो फ्लैश इसका चल नहीं रहा है। हम लोग मोबाइल से दूसरा फ्लैश पकड़े हुए, बाबू बिहाइंड द सीन है, मैं आपके सामने हूँ यहाँ पर। अच्छा, हीट की वजह से ना बहुत गर्मी हो रही है और बनाई नहीं जा रही है वीडियो। उसने एक कमरे का बोला था और उस कमरे में आते के साथ ही फील हुआ है हम लोगों को, कुंडी खोली और साथ साथ फ्लैश ख़त्म हुआ, जबकि होता नहीं है इससे ज़्यादा टेम्परेचर का आईफोन से। अच्छा, इसमें एक वॉशरूम है, ये सामने किस चीज़ के बारे में, सोफा है ना, सोफा भाई वापस आ जाए। घर बड़ी मुश्किलों से बाबू को लेकर आया हूँ दोबारा इस कमरे में, क्योंकि सोफे वाला सीन हुआ है और तकरीबन आधा घंटा रह गया, डेढ़ घंटे से हम लोग यहाँ पर हैं शूट कर रहे हैं चीज़ें। अभी तक बस कह सकते हो कि आतिफ सही बोल रहा था कि है कुछ, और दो बंदे हैं वहाँ, के कुछ उतारा खासा हो गया ना, तीसरा कोई है भी नहीं। उस आतिफ को बुला लूं, वो पहले नहीं आएगा, उसने पहले तो मना किया था, अकेले ऊपर नहीं आया था तुम्हारे साथ। लेकिन बाबू मुझे उसका नहीं है, चलो पहली बार जब हम वहाँ पे गए थे कुछ सोफा किसका था, तब गेट बंद था भाई। वो सोफा किसका, वो कुंडी आपने खोली उसके बाद वो फ्लैश बंद हो गया और सुन दरवाज़ा बंद हुआ है। सोफा कितना भारी था, देखा था तुम्हारे सामने सारे सीन हो रहे हैं, फिर अकेले जाने बस एक जगह रह गई है ना, मैं कहता हूँ वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्या कहते हैं तेरा भाई मूड। मैं किसी हाल में भी नहीं जाऊँगा, मैं नीचे जा रहा हूँ, आप जाओ अकेले, जाने की तुकी नहीं बनती है। तो यार भाई आतिफ अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो दो घंटे हो चुके हैं, और बाकी मैं जो तुम बोल लेते हैं अब हम ये नहीं मानने को तैयार कुछ है, लेकिन वो जो वॉशरूम वाला सीन है और जो सोफे वाला सीन है वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो सोफा इतना भारी है ना। वो कुंडी वाला सीन, कुंडी कौन सा, कुंडी जो फ्लैश बंद हुआ है, अरे वो तो अलग सीन है ना यार। चलो कुंडी का तो फ्लैश तो हो सकता है वो तो हीट की वजह से बंद हो जाता, लेकिन एट द टाइम पे बंद हुआ था, एट द टाइम आपने कुंडी नीचे की और फ्लैश बंद हो गया। मैं बोल रहा हूँ वो तो बहुत भारी है, सोफा देखा था तुमने कितना भारी था सोफा। हेलो भाई, ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, और अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।